ताकत करूँ उतना कम है। आप लोगों ने आयुर्वेद में सुना होगा अश्विनी कुमारों का टीका है, कोई भी बीमारी हो अश्विनी कुमार जी ठीक करते। दो थे वो, दो भाई थे, चंबन ऋषि को बूढ़े को जवान करने वाले भी अश्विनी कुमार थे। रोल करो अश्विनी जी। मंत्री जी आज कार्यक्रम में पूछे क्या कार्यक्रम था पहले ही जानना चाहिए। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि बागपत की जनता के आशीर्वाद से इस उत्तर भारत में एक यहाँ के कर्मचारियों के लिए, यहाँ के तमाम भारत सरकार के केंद्रीय कर्मचारी और उनके परिवार के लिए, एक उनके पेंशनधारियों के लिए आज स्वास्थ्य की सुरक्षा की योजना के लिए हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री सत्यपाल जी के प्रयास से, अनवरत प्रयास से, जो आज CGHS सेंटर का केंद्रीय आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र जो यहाँ खुल रहा है, खुल चुका है, आज उसके शुभारंभ के अवसर पर हम यहाँ पहुँचे थे, हम यहाँ पधारे हैं और आज पूरे आश्वस्त कर सकते हैं कि अब हमारे लाखों ऐसे हजारों परिवार के जो कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी, उनको दवा भी उपलब्ध होगा और भगवान की दुआ भी मिलेगी। हम NH पर अभी वो अस्थायी रूप से इस पशु संस्थान में हमने खोला है, लेकिन अस्थायी रूप से हम NH पर खोलने की बात वहाँ के नगर निगम के साथ समझौता होने के बाद हम वहाँ खोलने के लिए पूरी तरह से विभाग तैयार है। बाघ कमी है, कब तक पूरी कर ली जाएगी वो कमी? काफ़ी समय से मांग की जा रही थी, यहाँ पे अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है, कब तक पूरी होगी? सही कहा, पूरे देश में जो तो एलोपैथिक डॉक्टर की कमी है, लेकिन अगर आयुष को मिला दीजिए तो हम दुनिया के सभी देश से आगे हैं, और इसलिए हमारी सरकार ने आयुष मंत्रालय भी खोला है, होलिस्टिक अप्रोच भी है, और हम एलोपैथ में भी हर वर्ष 17,000 हमने MBBS डॉक्टर इस बार ज़्यादा सीटें किया है, हमने 12,000 से भी ज़्यादा PG सीटें किया है, 32,000 और 54,000 हम सीट बढ़ गए, हमने डॉक्टरों की संख्या को भी बढ़ा रहे, हमने मेडिकल कॉलेज 80 मेडिकल कॉलेज हमने खोले पूरे देश भर में, और IIMs जहाँ 22 AIIMs हमने पूरे देश भर में खोले, तो आपकी जानकारी के लिए 6 AIIMs थे अटल जी के ज़माने से उन्होंने शुरू किया था, और अभी 22 AIIMs हमारा यह हुआ है। तो हम लोगों के कल्याण के लिए डॉक्टरों की बड़ी बोझ तैयार करने के लिए और उनको अच्छी शिक्षा, चिकित्सा की शिक्षा कैसे उपलब्ध हो उसके लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और हर प्रकार के वहाँ अच्छे PG के हमारे MCH, हमारे जो DM हो, इस प्रकार के जो हर संस्था को मजबूत बना करके हमने आगे उसको पलने फूलने का काम किया है। जहाँ तक हमारे स्वास्थ्य के अंदर, आप जानते होंगे कि देश भर में 80 हमने स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनवाए, इस पर जो भारत सरकार का प्रधानमंत्री के कोष से जो प्रधानमंत्री के द्वारा मतलब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आपके उत्तर प्रदेश में 7 हॉस्पिटल बने अभी, तो 200 करोड़ 150 करोड़ की लागत से हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बना रहे हैं। तो भारत सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ के जनता की सेवा कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि सबको इसका लाभ मिलेगा। सर जी कर रहे हैं तो उस पर आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि आज भी जम्मू में बड़ा हमला हुआ है। क्या बोलेंगे भाई? मैं तो बराबर बोलता हूँ, ये वहाँ गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, ठगने वाला है जो अपने आप को ठग रहा है, जनता को ठग रही है। कुछ दिनों पहले आपने बयान भी दिया था महागठबंधन को लेकर। सर मैं तो रोज बयान देता हूँ कि चुनाव से पहले मिट्टी में मिल जाएगा महागठबंधन, तो मिलेगा ही। तो सर कैराना में हिंद महासागर में सुन लो कान खोल करके, ये ठगने वाले लोग जो अपने को भी ठग रहा, सगों को ठग रहा, अपने परिवार को ठग रहा, और 2 दल मिल करके और 4 दल मिल करके जो चिड़िया बनाने का काम कर रहे हैं। देश को मजबूत सरकार चाहिए, मजबूर सरकार नहीं, और मजबूत सरकार 56 इंची का नरेंद्र मोदी देश की सेवा करने के लिए, 130 करोड़ के आशीर्वाद से देश आगे बढ़ रहा है, देश विकास कर रहा है। राम मंदिर की बात बहुत समय से उठ रही है, जितने कौन बनाएगा तब बनेगा। बंडबरू देखते हैं, ये भानुमति का पिटारा, रामो बामो सामो झामो दामो, ये जितने 7 महीन चंपा हिंद महासागर में चले जाएंगे और कोई बंगाल की खाड़ी में डुबकी लगाएंगे। राम मंदिर कौन बनाएगा, कब बनेगा राम मंदिर?